जेईई में हर साल आप लोगों के पास ऐसा एक सवाल आता है, और इस साल भी ये सवाल आप लोगों के पास आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए समझते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसमें अगर मैं इनके पोजीशंस को लिखूं, वी जो है 22nd प्लेस पे है, ई 5वें प्लेस पे रहता है, डी 4थे पे रहता है, ए 1st पे रहता है, एन 14 पे, टी 20 पे और यू 21 पे। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 114। इसमें अगर 1 को मैं अलग कर दूं, बिकॉज वेदांतु इज नंबर 1 एंड 14 में 2 डिजिट है, और 2 से अगर मैं 14 को डिवाइड कर दूं तो आपके पास आंसर बच जाता है 7। द मैसेज इज loud and clear।